बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों सुभ नमस्कार, एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी ग्रह की तीन स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक जब वह स्वस्थ राशि में होते हैं, दूसरे जब वो उच्च राशि में गोचर करते हैं या कुंडली में विद्यमान रहते हैं, तीसरी स्थिति होती है जब वे अपने नीच राशि में रहते हैं या गोचरी संचरण करते हैं। यही स्थिति बनी हुई है इसमें कि सूर्य अपने नीच राशि तुला में गोचरी संचरण आरंभ करने वाले हैं। कब? 18 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को दिन में 9:25 के बाद बुध की राशि कन्या को छोड़कर के कला, सौंदर्य, साहित्य, भोग, विलास के कारक ग्रह शुक्र की राशि तुला में, तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ऐसे में इनके इस गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम बृहद रूप से करने वाले हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली पर बात करेंगे तो वृषभ लग्न की है, कर्क राशि की है, तो वृषभ लग्न के अनुसार सुख भाव के कारक हो जाते हैं, जनता भाव के कारक हो जाते हैं, और जनता के भाव के नीच राशि में गोचरीय संचरण करने से आम जनमानस के सुखों में कमी महसूस हो सकता है। इस एक महीने के बीच में लगभग 17 नवंबर तक नीच राशि के रहेंगे। सुखे सोकर छठे भाव में जा रहे हैं, सुख भंग योग भी बन रहा है, नीच राशि के भी जा रहे हैं, तो आम जनमानस में सुख की अनुभूति कम होगी, यह स्थिति बन सकती है। केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा भी कुछ ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं जो आम जनमानस पर एक बोझ स्वरूप हो, तनाव की स्थिति उत्पन्न करने वाला साबित हो। एक और स्थिति बन रही है, सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ेगी और केतु के साथ रहेंगे। ऐसे में सरकारी तंत्र से जुड़े किसी बड़े व्यक्ति की क्षति अचानक हो सकती है। सरकारी तंत्र से जुड़े किसी बड़े अधिकारी या व्यक्तित्व की, या पूर्व के कोई सेना नायक हो, राजनयिक हो, कुछ ऐसे पद पर हो जो शीर्षस्थ रहे हो, बड़े पदों पर रहे हो, उनकी अचानक क्षति हो सकती है। इस समय अवधि में आप सब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे सूर्य महाराज, इसको जानेंगे। तो सूर्य मेष लग्न में कारक स्थिति में होते हैं। कारक का अर्थ यह हुआ कि वे पंचमेश होकर के शुभ कारक हो जाते हैं, लेकिन पंचमेश होकर के सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं तो तेज में वृद्धि लाएंगे, यानी व्यक्तित्व में तीव्रता आएगी, आक्रामकता बढ़ेगी, झल्लाहट में वृद्धि होगा, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन और या प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी समय अनुकूलप्रद कम रहेगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश नीच के रहेंगे। साझेदारी के कार्यों में अवरोध या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। संतान पक्ष से भी थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताजनक स्थिति हो सकती है, धैर्य रखना है। आपको अपने क्रोध और झल्लाहट पर पूर्णतः नियंत्रण रखना है। मूल कुंडली के अनुसार यदि आप माणिक रत्न धारण करते हैं तो लाभ की प्राप्ति अच्छी होगी। अब हम वृषभ लग्न के लिए सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा इसको जानेंगे। तो सुखेश होकर छठे भाव में जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता में विजय दिलाने वाले हैं। पुराना रोग है, कर्ज है,
शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे ये मुक्ति दिला देंगे। दूरस्थ यात्रा का भी संयोग बनेगा। आंखों की समस्या परेशान कर सकता है। सुख के संसाधनों को लेकर के मन अशांत रह सकता है, खर्च बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो सकता है या माता से मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मन अशांत रहेगा, सुख की अनुभूति इस अवधि में कम होगा। सूर्य को नियमित जल देते रहेंगे तो नकारात्मकता आपकी दूर होती रहेगी। मिथुन लग्न की बात करेंगे, भाई बंधुओं मित्रों का नकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा, यानी वहां से बहुत अच्छी स्थिति दिख नहीं रही है। स्वास्थ्य, जैसे भाई का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो भी आपको तनाव हो जाएगा, नकारात्मकता आ गई, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, सोशल लाइफ थोड़ा सा अवरोधक होगा। संतान पक्ष से भी विवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। आय एवं लाभ के साधनों में सकारात्मक वृद्धि का संयोग भी बनेगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय ठीक कम है, बहुत अच्छा नहीं है। पिता को चोट या ऑपरेशन की स्थिति भी बन सकता है। पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य करेंगे तो रास्ते सुगम रहेंगे। पिता की बात मानकर ही कोई कार्य करें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। कर्क लग्न की बात करेंगे तो धनेश होकर सुख भाव में जा रहे हैं तो वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों को लेकर थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति दिख रहा है। वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। सीने की तकलीफ घबराहट इस अवधि में बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना है। सम्मान पद प्रतिष्ठा परिश्रम में सकारात्मक वृद्धि होगा, यानी आप परिश्रम कर पाएंगे। सरकारी लाभ की भी प्राप्ति की संभावना अच्छी है। सूर्य महाराज को, सूर्यदेव को नियमित जल देते रहे जिससे इनकी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाएगी। अब हम सिंह लग्न की बात करेंगे तो लग्न के कारक होकर लग्नेश होकर पराक्रम भाव में नीच के हो रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, सम्मान में वृद्धि कर देंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देंगे, लेकिन मनोबल आपका कमजोर होगा। मनोबल आपको ठीक रखना है, इसका ध्यान रखना है। नकारात्मक विचारों को कंट्रोल में रखना है और पास नहीं आने देना है। स्वास्थ्य के प्रति भी इस समय आपको सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। चोट अथवा ऑपरेशन की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य करने का मन नहीं करेगा, परिश्रम करने का मन नहीं करेगा तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। भाग्य का सकारात्मक साथ प्राप्त होगा। पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी। मूल कुंडली के अनुसार अनामिका उंगली में इसमें माणिक रत्न धारण करेंगे तो लाभ होगा। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में व्ययेश होकर के धन भाव में जा रहे हैं, वाणी में तीव्रता हो सकती है। पारिवारिक कार्यों में उलझन बढ़ेगा, घरेलू कार्यों पर खर्च बढ़ेगा, पारिवारिक जनों के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बचे रहें। पेट और पैर की समस्या हो सकती, माता को शारीरिक कष्ट के कारण तनाव की स्थिति, आंखों की समस्या, दांत की समस्या के प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य की और धन के लिए यह समय अनुकूलप्रद नहीं है। रविवार के दिन तांबे का टुकड़ा हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जाकर के रख दें, प्रार्थना करें, चले आए। तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न की स्थिति क्या बन रही है कि लाभेश होकर के लग्न भाव में जा रहे हैं तो मानसिक संघर्ष एवं चिंता में वृद्धि, सिर की समस्या, माइग्रेन आदि की समस्या इस बीच में बढ़ सकता है। तनाव महसूस करेंगे, मानसिक चिंता बढ़ेगी, मन मस्तिष्क में उलझन की स्थिति बनी रह सकती है। दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों में तनाव के कारण मन असंतुलित रहेगा। रोजगार के साधनों में भी परिवर्तन या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी के कार्यों के प्रति आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना चाहिए। आपको उपाय क्या करना है, सूर्य देव को नियमित जल देना है और 5 सूखा नारियल बहते जल में अमावस्या या शनिवार के दिन प्र
प्रवाहित कर देना है। अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो राज्येश होकर के यानी राज्य के कारक होकर के वैभव में जा रहे हैं। वृश्चिक लग्न में कारक होते हैं ये, लेकिन द्वादश भाव में जाने के कारण थोड़ा सा नकारात्मक हो रहे हैं। यात्रा खर्च बढ़ा रहे हैं, आंखों की समस्या बढ़ा रहे हैं, दूरस्थ यात्रा का संकेत दे रहे हैं। खर्च इस अवधि में बढ़ाएंगे सूर्य महाराज। परिश्रम में अवरोध हो सकता है, अधिक प्रयास करने पर ही सार्थक परिश्रम हो पाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना है। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए अपने उच्च अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचना चाहिए, लेकिन रोग ऋण सत्व पराजित होते रहेंगे। मूल कुंडली के अनुसार आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए। धनु लग्न की बात करेंगे तो भाग्येश होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, तो यह अच्छी स्थिति है। आय के संसाधनों में सकारात्मक वृद्धि करेंगे, अचानक धन लाभ कराएंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य एवं भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। इस अवधि में कार्यों के साथ भाग्य का साथ थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। इसके लिए मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न धारण करके सूर्य देव को बल प्रदान करिए, उपासना करिए, पूजा करिए सूर्य देव की। अब हम बात करेंगे मकर लग्न वालों की क्या स्थिति बन रही है। तो मकर लग्न में अष्टमेश होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं, तो थोड़े संघर्ष के बाद कार्यों में सफलता दिख रहा है। कार्यस्थल पर लक्ष्य पूर्ति हेतु अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। पिता को चोट या ऑपरेशन की स्थिति के कारण मन में घबराहट हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है। पुराने रोग इस अवधि में समाप्त होते दिखाई देंगे। गृह एवं वाहन सुख को लेकर के भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों का अपने उच्च अधिकारी या निम्न वर्गीय जो अधिकारी वर्ग हैं, समकक्षी लोग हैं, उनसे तनाव नहीं लेना है, सतर्क रहना है। इस अवधि में सीने की तकलीफ यदि पहले से है, विशेषकर बीपी, घबराहट या अन्य कोई समस्या, तो इस अवधि में विशेष तौर पर सतर्क रहें। तांबे का टुकड़ा रविवार के दिन बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना है। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग बढ़ा देंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे, भाग्य के का साथ आपके कार्यों के साथ मिल जाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर मन अशांत रह सकता है। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक वृद्धि हो सकती है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के मन में चिंता जरूर बना रहेगा। दैनिक रोजगार को लेकर के भी थोड़ी सी उलझन की स्थिति बनी रह सकती है, परिवर्तन करने का मन कर सकता है। इस अवधि में मन पर नियंत्रण अति आवश्यक है, किसी से अत्यधिक लगाव नुकसान पहुँचा सकता है। उपाय क्या है? सूर्य को नियमित जल देते रहें, सूर्य के किसी मंत्र का निरंतर जप करते रहें तो बहुत अच्छा होगा। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में रोग के कारक हो जाते हैं। रोगेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य में सकारात्मक वृद्धि के साथ साथ वाणी के तीव्रता में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक जनों के साथ वाद विवाद करने से बचना होगा। अचानक खर्च बढ़ सकता है, आंखों की समस्या परेशान कर सकता है, दांत की समस्या कष्ट दे सकता है, आंखों की समस्या पर खर्च हो सकता है, पेट और पैर की समस्या पर भी धन खर्च हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना है, वाणी पर आपको निश्चित तौर पर नियंत्रण रखना है। इस समय सूर्य की उपासना शांति नितांत आवश्यक है। प्रत्येक दिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते रहें। पिता के अपमान से बचना है, मतलब पिता का अपमान नहीं करना है, सम्मान करना है। उनके आदेश के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति सूर्य महाराज कराएंगे। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं सूर्य महाराज, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ
नए कार्यक्रम को लेकर के। तब तक आप एस्ट्रो तक पर बने रहिए। शुभ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।